अमेजन प्राइम वीडियो में आज मैंने एक मूवी देखा। इस मूवी का नाम है द फ्री फॉल। इस मूवी को डायरेक्ट किया है एडम स्टीलवेल ने और इस मूवी का ड्यूरेशन है 1 घंटा 22 मिनट। अगर पूरे मूवी का ड्यूरेशन कहें तो इसका ड्यूरेशन है 1 घंटा 19 मिनट। तो कैसा लगा ये मूवी? एक सेंटेंस में कहा जाए तो मैं इतना ही कह सकता हूँ, ये मूवी आप एक बार देख सकते हो। देखना है ऐसा ज़रूरी नहीं है, वन टाइम अगर आपके पास टाइम है तो आप देख सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपका वक्त बर्बाद होगा, लेकिन ऑन एन एवरेज एक मूवी है। अगर कहानी के बारे में बताया जाए तो सारा एक लड़की है जो एक दिन अपने घर में जाके देखती है कि उसकी जो माँ है उसके पिताजी को छुरी से स्टैब करके मार देती है। मारने के बाद उसकी माँ अपने आप का गला काट के वो भी मर जाती है। ये देखने के बाद ये जो शॉक था, ये मेंटल शॉक में जो यहाँ पे ऐसा सिचुएशन सारा का हुआ कि सारा वो मेंटल शॉक ले नहीं पाई और अपना जो दोनों हाथों का जो नस है वो काट लिया, काट के वो भी मरने का सुसाइड करने की कोशिश की। और ये सुसाइड करने की कोशिश करने के बाद क्या वो सारा मरती है कि नहीं, बाद में देखा जाता है कि सारा नहीं मरती है। सारा का जो हस्बैंड है यानी निक उसका देखभाल करती है। इसके बाद क्या होता है इसके आगे जानने के लिए आप लोगों को देखना पड़ेगा द फ्री फॉल ये मूवी। अगर इस मूवी के पॉजिटिव पॉइंट के बारे में बताया जाए, सबसे पहले पॉजिटिव पॉइंट तो जाएगा इस मूवी का जो कॉन्सेप्ट और ओवरऑल जिस तरह से एग्जीक्यूट किया गया है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इसके साथ साथ इस मूवी का जो पेस है वो इतना स्लो नहीं है, मतलब ये जो स्क्रीन प्ले है इसमें जो फास्टनेस है थोड़ा पेस है उसके अंदर। इसके साथ साथ अगर एक्टिंग के बारे में कहा जाए, यहाँ पर सारे के कैरेक्टर में एंड्रिया लॉन्डो का एक्टिंग मुझे काफ़ी अच्छा लगा, उनका एक्सप्रेशन बहुत ही बढ़िया था। उन्होंने ये जो कैरेक्टर है सारा का कैरेक्टर एंड्रिया लॉन्डो ने बहुत बेहतरीन तरह से प्ले किया है। इसके साथ साथ मैं कहना चाहूँगा निक का जो कैरेक्टर है जो शॉन एशमोर ने प्ले किया है उनका भी काम मुझे बहुत ही अच्छा लगा, उनका भी एक्सप्रेशन डायलॉग डिलीवरी काफ़ी अच्छा था। इसके साथ साथ और एक जो कैरेक्टर है रोज़, उस कैरेक्टर में जेन बैटलर का एक्टिंग भी मुझे बहुत बेहतरीन लगा। इन तीनों का काम मुझे इस मूवी के अंदर बहुत अच्छा लगा। इसके साथ साथ मैं कहना चाहूँगा इस मूवी के आखिर में जो क्लाइमैक्स के अंदर जो ट्विस्ट है वो भी मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा। हाँ ये थोड़ा प्रेडिक्टेबल है लेकिन फिर भी मुझे वो जो ट्विस्ट था आखिर में वो काफ़ी अच्छा लगा। इसके साथ साथ इस मूवी का जो सिनेमाटोग्राफी विजुअली जिस तरह से इस मूवी को प्रेजेंट किया गया है वो भी काफ़ी मुझे अच्छा लगा, यूनिक लगा। इसके साथ साथ इस मूवी का जो कलर ग्रेडिंग है वो भी काफ़ी सही था। अगर इस मूवी के नेगेटिव पॉइंट के बारे में बताया जाए, सबसे पहला नेगेटिव पॉइंट है इस मूवी का जो स्क्रीन प्ले, उसमें डेप्थ नहीं था। हर वो कैरेक्टर जो है सही तरह से उसको डिज़ाइन नहीं किया गया है, कैरेक्टर और प्लॉट को सही तरह से बिल्डअप नहीं दिया गया है। उसका जो अगर पास्ट हिस्ट्री अगर सही तरह से यहाँ पे दिखाया जाए थोड़ा बहुत, तो वो कनेक्शन और इन्वॉल्वमेंट और अटैचमेंट ऑडियंस के साथ इस मूवी का और ज़्यादा बेहतर बनता। इसके साथ साथ और एक चीज़ कहना चाहूँगा, देखिए इस तरह का जॉनर का जो मूवी होता है साइकोलॉजिकल हॉरर या साइकोलॉजिकल हॉरर थ्रिलर मूवी का बैकग्राउंड म्यूज़िक उसका अहम हिस्सा होता है, लेकिन इस मूवी का बैकग्राउंड म्यूज़िक बहुत ही मुझे ख़राब लगा, बहुत ही बिलो एवरेज एक बैकग्राउंड म्यूज़िक था जो कि एज ए मतलब इस तरह का साइकोलॉजिकल हॉरर मूवी के लिए वो एक बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट माना जाता है। पर्सनली मुझे ये भी लगा। और ये जो डेप्थ था स्क्रीन प्ले का वो भी मुझे कुछ खास अच्छा नहीं लगा, क्लाइमेक्स और बेटर तरह से दिखाया जा सकता था। ये था मेरी राय द फ्री फॉल मूवी को लेके। आप लोग अगर अभी देखना चाहते हो तो अमेजोन प्राइम वीडियो में अवेलेबल है, आप देख सकते हो। अगर आप देख चुके हो तो आप लोगों का क्या राय है ज़रूर कॉमेंट